सोनबरसा ओपी क्षेत्र की रामपुर उजागी टोला में गांव के बाहर तालाब के समीप ससुराल आए एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बाद में आनन फानन में मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान कुवात गांव निवासी पारस चौधरी उम्र 26 वर्ष पुत्र सोनू कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि वह अपने ससुराल रामनगर में ही अपने ससुराल के द्वारा खोले हुए मुर्गी फार्म को चलाता था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर एसडीपीओ केके सिंह समेत पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बाद में घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया तथा हत्यारों को पकड़ने की मांग करने लगे, जिन्हें एसडीपीओ ने समझा बुझाकर तकरीबन 5 घंटे बाद जाम को ख़त्म कराया। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय थाना क्षेत्र के क्वात गाँव निवासी पारस चौधरी के पुत्र सोनू कुमार अपने पिता के साथ सोनबरसा के अमरपुरी में लाइन होटल का संचालन करते थे। वही वह अमरपुरी स्थित अपने ससुराल के मुर्गी फार्म का भी देख रेख करते थे। इसी क्रम में मंगलवार को अपने ससुराल पहुंचे हुए थे। इसी बीच रात तकरीबन 11 बजे गांव के ही रहने वाले तेजू नामक एक युवक के द्वारा उन्हें यह कहकर बुलाया गया कि चलिए स्थानीय पोखर में लोग मछली मार रहे हैं। बार बार मना करने के बावजूद सोनू कुमार तेजू के साथ चला गया। बाद में काफ़ी देर बाद जब सोनू घर वापस नहीं आया तो ससुराल वालों को चिंता हुई। उन्होंने तेजू नामक युवक को फ़ोन किया तो उसने बताया कि सोनू सुबह घर जाएंगे, लेकिन सुबह सोनू की लाश के बाहर गांव के बाहर पोखर के समीप बरामद की गई। मृतक के सास का कहना है कि वही जब लोग मौके पर पहुंचे तो तेजू वहीं पर अपने साथियों के साथ था, जो लोगों को देखते ही भाग निकला। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजू तथा उसका साथियों ने ही उसके दामाद की हत्या कर दी है। सड़क जाम की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसडीपीओ केके सिंह के द्वारा हत्यारों को पकड़ने का आश्वासन देकर जाम को ख़त्म कराया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद ही मौके के और मौत के कारणों का पता और खुलासा हो पाएगा। लिया के गोइला हम लिया के गोइला आलू मंगारुआ ओकर लाई लाई का चकुदार वते जुआ तो ए फुफा काहे सुतल बड़ तो कोन का करी तो चलो ना फुफा हो ही जी तो कोन की का करे तो चलो तू महुआ पिए ल हम बोतल धैले उहे बोतल ले गोइला सब बबुआ के पियौला से कले बबु हम गिर गेलन चौकी पाओ करा तब कहतन जे ए बबुआ विदा करो सन तो कहता कि ए फुआ फाजी देखा फूफा जाई हाँ तब बुचिया कहते कि 3 बजे उठ के आवे ला नंगा हाँ बहारे लो ए तेरे कहे नहीं खाने आओ तो जा तनी तो बहन उ तो लौटा ओकर साइकिल लेके चल 10 गो रख ले भाई हाली हाली आ साइकिल छीन नहीं हां काला ओकर धो के साइकिल हम छीन ले बानी आ तब बबुआ के हमरा जाना लेके भागल ह सकुल जी तो शराब पिलाने के लिए ले गया हां वो भी चौकीदार थाना जाए हां हां चौकीदार ह बबुआ पीलाने चौकीदार हमें बाबू परानन क्या नाम था हाय के दामाद का क्या नाम था सोनू घर कहां था उनका कोवात कबो ना दरु ये बतानी हम रख ले बनी अपना खेत में हमारा आदमी नहीं खान तो मुर्गी फार्म खोलवावे दरुया हम मछरी पोसवावानी कि ये बुचिया रहसन हमरो दिनवा पार लाग जाई तो ये बुचिया के रखनी हम मछरिया डलवा संख्या है कि हां बला दलिया एकदम लिहे लिया गोल बा तेजी लिया गोल बा अभी पुलिस प्रशासन आया एगो रवि नाम के पूछ ना बबुआ कहला हन सनबरसा थाना होला हनु ताऊ अपन लिखवावला हन आ बबुआ के पानी के बबुआ है देख ले जकवाड़ी खोल के वही में सामान रख जे रखले बा हाथे गो पेटी तब ना पुलिस थाना ही देखलन जे सनबरसा के हे जी सब आदमी कहल ह कि चलो कुछ नहीं खन जे करत रोड जाम करी जे हमनी के केनो उथी निकली नु तो हमनी के आईनी है जा रोड पर आ तले से ओहनी भिर चकदार भिर फोन क के सनबरसा थाना कुल सामान बबुआ ढोवा के ओकरा घरे विदा करा देलन उ पैसा ले ले बबुआ सनबरसा थाना हमार रसीला नाम ह ये घटना के मैं घोर निंदा करता हूं। इस तरह का घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन परिजनों के द्वारा FIR भी किया जा रहा है। पुलिस अपना जांच करके उचित कार्रवाई करेगी। मैं पुलिस प्रशासन से भी यही मांग करता हूं, इस तरह का आइंदा घटना नहीं हो
और हमारे पंचायत की जनता सुरक्षित रहे। ये जो घटना हुआ है, ये घटना शराब को लेकर के, शराब पिला करके और मारने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी चौकीदार पे आरोप लगा है। ये तो जांच का विषय है और चौकीदार पर अगर मामला साबित होती है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बेहद संगीन मामला है। संगीन तो है, क्योंकि एक रक्षक के द्वारा अगर इस तरह की घटना होती है तो ये अच्छा नहीं। जावा खा पी के निमन सुतल होता घर ले बाला तेलिया के गोल हो भाई। कौन लोग ले गए? रामनगर के टोला पे के चौकीदार हो भाई। पोखरा में मछरिया डाल 2200 हो भाई।